यूपी के हमीरपुर जिले में एक ग्रामीण ने आवास दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। पूरा मामला राठ तहसील का है, जहां राठ कोतवाली क्षेत्र के अकोना गांव निवासी जय हिंद ने समाधान दिवस के मौके पर जिला अधिकारी चंद्रभूषण त्रिपाठी के समक्ष शिकायती पत्र देकर लेखपाल करण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही जिला अधिकारी को एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें आवास के लिए पैसों की लेनदेन की बातचीत हो रही है। 10,000 हाँ, तो पूछ ले तो आपने दाए बाबूजी के नहीं दाए, 10,000 और मांग रहे थे कि सब पैसा दे दे कि नहीं दे बाबूजी, बस की वही है, डलेगा तो दे ही लेगा ही। हां वो ये फिर कागज पूरे कर देना, तो यही बात मैंने ये कही थी कि 10,000 रुपए तो लास्ट में लगे, चाहे दिया विभाग लिए चाहे जी पूछ ले। हां बात करते हो और तुम जुड़े हो तो वहीं तक मतलब रखना चाहिए, किसी तीसरे व्यक्ति तक। हम तो वहीं तक मतलब है, तो फिर उतने समय बराबर एक महीना हो गया ना, उस लड़के का पैसा जो तुमने लिया है मुझसे ले हम तो परेशान है बाबू जी, दो महीने से काम नहीं कर पा रहे हूँ। तुम्हें कहा था इसको समय दो, अब वो सिंसियर खुद नहीं रहा, क्या कह रहा था मैं तो पास कराएंगे ठेका लाऊ, तो मैंने पास करा तो नहीं, ऐसी खड़ी वहाँ से बोला। हाँ वजह से मैंने भगाया भी था। कितनी खड़ी वहाँ से बोला? अब एक लोधी के मैंने आपको ना गया, वो बोलो कल बाजी आजे बजाओ बाहर तो बैठ रही, तो सीधा बोलो कि जाओ बसवारा से बोलो, कहते यार बसवारा 300 रुपया मांगा, तो मैंने उसको यही बोला पहले तो अकल सीख लो बात करने की। उसको नहीं है, चलो हटा बेटा, इसी वजह से मैंने उसको हटाया। अब हम इनके यहाँ जो हमने बंद किया बैठना, हम जाते हैं तो उनकी पत्नी कहती है कि तुम जाओ, तुम वो आज लेंटर लग जाओ, मतलब अपने घर की कमाई में एक लेंटर में लगा दिया, मोहल्ला का बच्चा कौन हो, मतलब मैं कमा रहा हूँ तो मैं खिलाना हटा दे दुनिया की कहीं बेटा अपने जो नहीं तो हमें बता, ठीक कह रहे हो बात करने का, बता खड़ी भाषा में एकदम बोला। अरे वहां मुझे जानकारी हुई तो रात जे होते जैसे तुम कह रहे हो, शाम को मुझे पैसा वापस कर दिया, मैं तुम्हारे घर गया, तुम कहीं से नहीं हो रहा है पापा को मिली मुझे बताइए सीधी बात है भाई, तब से कहा तुम करते कि पात्र नहीं करो, पैसे भी लग गए हमारे, तब तो दिक्कत नहीं भलाई चकूर ले तो मैं भरे हुए इनके तो मैं उस समय पे आ जाती हूँ टाइम पे। हाँ तो हो जाए तो कम तो पैसे लगे गए थे। हो देखो ये तुलान तो हमें देखो ऐसा कि जैसे हमारी हमसे कौन आए बनवाई ठीक है, आए बनवा लेकर देव रुपये हमसे कहा था ले पैसे ले जाते, क्या करें हम रोज बैठने थे। राकेश बोलो, राकेश बोलो अपने रिश्तेदार। पीड़ित जय सिंह ने आरोप लगाया कि आवास दिलाने के नाम पर लेखपाल करण सिंह ने 25,000 रुपए रिश्वत लिया था, मगर 3 साल बीत जाने के बावजूद आज तक आवास नहीं मिला। नाम है आपका? जयहिंद कुमार। जयहिंद कुमार। जयहिंद क्या समस्या है आप यहाँ आए हैं? हमारे ये समस्या है कि हमने लेखपाल जी के आवास के लिए हमने बुलाया था और कह रहे थे पैसे दे दो आपका आवास आ जाएगा, और इसके बाद हमसे पैसे ले लिए 25,000 रुपए, 3 साल हो चुके कहते कहते, इसके बाद आवास नहीं आया, तो हम पैसे मांगने गए कि आवास नहीं है तो पैसे दे दो हमारे, तो मारने की धमकी दे रहा है, गाली गलौज कर रहे हैं कि तुम्हारे पैसा हमारे हाथ में नहीं है। क्या नाम है लेखपाल का? करण सिंह राजपूत। करण सिंह? करण सिंह राजपूत। कहाँ का लेखपाल है ये? राठे का है। कितने रुपए लिए थे आप? 25,000 रुपए लिए आवास के नाम पर। हाँ आवास के नाम पर, और कल की तारीख में हमें मेरे को समझा रहा था, अच्छी तरह से बात कर रहा था कि मेरे से मैं ब्याज की 3 रुपए का सेक रहा, 3 साल का ब्याज ले लो, टोटल दुगने पैसा हो रहा है आपके, मेरे से ले लो राजीनामा कर लो। अच्छा राजीनामे का दबाव डाल रहा? हाँ राजीनामे का दबाव डाल रहा था, दबाव डाल रहे थे कि यहाँ अधिकारियों में शिकायत की है आपने? हाँ किया था, हमीरपुर किया था, हमीरपुर के बाद शिकायत आई थी तो अपने आप इनने निस्तारण निकाल के समाधान कर लिया, फिर हमने दोबारा SDM साहब के और तहसीलदार साहब। आज फिर शिकायत करने आए हो? आज फिर शिकायत करने आए DM साहब के। पीड़ित की शिकायत और वीडियो फुटेज देखने के बाद DM ने तत्काल एक्शन लेते हुए लेखपाल को ऑन स्पॉट ही पुलिस से गिरफ्तार करवाकर हवालात भिजवा दिया। इस कार्रवाई से मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब केसरी TV के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।